हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम जेम पोर्टल पर जो नए फीचर्स आए हैं पिछले एक दो महीने में उनको देखेंगे। उनके बारे में हम लोग धीरे धीरे दो तीन वीडियो में देखेंगे शॉर्ट में। पहला तो है कि बिट क्रिएशन के लिए जो है उन्होंने जो यूआई है, यूएक्स है, जो उसका इंटरफेस है उसको रिवैम्प कर दिया है। वो जो थोड़ा सा ईजी हो गया है ये हम लोग एक अलग से वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा जो फीचर अभी आया है वो है लिमिटेड टेंडर का, वो इनेबल कर दिया है सीपीएससी बायर्स के लिए। बायर जो है बीडर का सेलर आईडी एंटर कर सकते हैं और सेलर कैन पार्टी, दो सेलर्स कैन पार्टिसिपेट इन दोज बिड। करंटली पर ये कैटेगरी वेस्ट बिड में ही अवेलेबल है, बीओक्यू और कस्टम बिड्स में अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो फीचर है कि सर्विसेज में क्या है कि स्प्लिटिंग जो है अलाउ नहीं था पहले कस्टम बिड में, अभी वो कस्टम बिड में अलाउ कर दिया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो चौथा है बीओक्यू बेस्ड जो मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो डिसेबल कर दिया, अगर यूनिक आइटम्स जो है 5 या 5 से कम, मतलब 6 अगर यूनिक आइटम है तभी आप बीओक्यू बेस्ड प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी जो है अगर आप चाहते हैं कि केवल सीपीएससी बिडर्स को ही अलाउ करें, केवल ओनली पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज ही पार्टिसिपेट करे, तो वो ऑप्शन दिया गया है कि जब भी आप बिड है तो 3rd नंबर के पेज पे आता है, डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन टू सीपीएससी सेलर्स ओनली। तो आप उसको यस कर देंगे तो केवल सीपीएससी वाले जो सेलर है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपके किसी पर्टिकुलर केस में एप्लीकेबल हो सकता है जब आपको ये यूज करना है, ये मतलब आपके गाइडलाइन है। अब मान लो सपोज करो आपको एक लिमिटेड टेंडर इशू करना है एक सीपीएससी सेलर को ही, तो आप उस केस में भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जैसे मान लो आपको सीपीएससी सेलर को को में लिमिटेड टेंडर ही इशू करना है, तो उस केस में एक और एडवांटेज जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको ट्रांजेक्शन चार्जेज पे नहीं करने पड़ेंगे उन सेलर को। एक रेवेन्यू पॉलिसी अपडेट कर दी है जेम पोर्टल ने, और ये जो रेवेन्यू पॉलिसी अपडेट की है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाउनवर्ड रिवीजन किया है ट्रांजेक्शन चार्जेज में, और ऑल सीपीएससी से रिस्ट्रिक्टेड बिड्स होगी उसमें तो जो है ट्रांजेक्शन चार्जेज है वे वो पर। तो ये एक मेजर चेंजेज है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम इसके आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, पर ये भी मैंने 6 अभी जो मेजर चेंजेज है वो आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।